दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आमची इंदौर चैनल पे। दोस्तों आज आपको फिर लिए चलते हैं इंदौर के एक और मशहूर जगह पे, जो कि फालूदा के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों बड़वाली चौक है, वहाँ पे कल्लू पहलवान फालूदा वाले काफ़ी फेमस है दोस्तों, और 40 साल से दुकान है दोस्तों इनकी। पहले इनके वालिद ने शुरू करी थी ये दुकान इनकी अपने एक साथी के साथ, और आज ये चला रहे हैं। इंदौर में काफ़ी फेमस है, आइए जानते हैं और बात करते हैं कल्लू पहलवान जी से और समझते हैं इनकी सीक्रेट फालूदा रेसिपी के बारे में। सर बताइए हमें आपकी फालूदा दुकान के बारे में और इसकी सीक्रेट रेसिपी के बारे में। सर ये यूनानी है साहब, और गर्मी में बहुत लाभदायक होता है, इसमें तुकमलंगा डलता है। तुकमलंगा शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी आप एक गिलास पी लोगे इसकी 5 घंटे तरावट रहेगी आप, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं नाम सुन के। ये आपकी 40 साल से अपनी ब्रांड है ये, और फालूदे को एक इंदौर मार्केट में पहचान दी है इसको। यूनानी फालूदा है ये, आयुर्वेदिक बहुत लाभदायक होता है ये, पेट के लिए अच्छा। पेट के लिए तरावट है, पूरे शरीर में को ठंडा कर देता है। क्या आपके स्पेशलिटी क्या है, खास बात क्या है फालूदे? फालूदे में खास बात किस टाइप का फालूदा? फालूदा ये जो है ये इसमें तुकमलंगा होता है, सेवइयाँ होती हैं, अच्छा रू अफजा है, खस है। आप लोग खुद ही बनाते हैं? खुद ही बनाते हैं हम। वो ये मार्केट से अलग हटके सिवई है इसके अंदर। कितने का मिलता है? ये 40 रुपये का फालूदा है, सबसे सस्ता फालूदा। अच्छा फायदेमंद है, ग्राहक को पुर जाता है। 30 रुपये का है इसमें, वो सभी आइसक्रीम रबड़ी वाले फालूदे हैं ये। दोस्तों ये देखिए मलाईदार रबड़ी है ये। ये क्या है भाईजान इसमें? ये उत्मलंगा है। उत्मलंगा रबड़ी रबड़ी रबड़ी, ये दोनों रबड़ी है। ये सेवई लगा। ये क्या सेवई डाली जी? तो ये क्या डालते हैं इसमें? ये है तुकमलंगा, इसमें रबड़ी है, आइसक्रीम है, अच्छा चाशनी है। चम्मच देना है उधर से। ये क्या आइसक्रीम? जी हाँ, इसमें 4 फ्लेवर डले हुए आइसक्रीम के अंदर। ये ड्राई फ्रूट आइसक्रीम है। एक रसगुल्ला देना साहब। रसगुल्ला भी डलता है? जी हाँ। नहीं नहीं वो आइसक्रीम है। ये क्या है भाईजान इसमें? ये तुकमलंगा है। अच्छा। ये मेन चीज इसमें यही है, पेट की ठंडक के लिए। जी हाँ, ये खास है इसके अंदर। ये खस ठंडा होता है गर्मी में। ये रू अफजा है। ये पाइनएप्पल है। चम्मच देना 3 उसमें। हो 5 वो दे टिम टिम उधर से। गिलाय देना 5। कंप्लीट कर लेते पहला। बिलाल भाई बर्फ दे उधर से।
जी हाँ, वही नहीं उसको बड़ा फूट से कंप्लीट करना था। ये अलग अलग फ्लेवर की है, आलू के अलग अलग फ्लेवर के बने, रेट के हिसाब से आलू के बने। सर बताइए सर कैसा है स्वाद में? यहाँ से अच्छा बलूदा इस क्षेत्र में कहीं नहीं भाई। सो कब से मतलब 40 काफ़ी पुरानी दुकान है मेरा, जब से होश संभाला जब से यहीं से पी रहा है, मेरी उम्र 42 साल हो गई। बढ़िया फालूदा आपको इनका कौन सा मतलब आस पास के क्षेत्र में सबसे? ये इनका शाही 80 वाला 40 वाला वो शानदार है। नाम सर्च होगा यूट्यूब पे, ये आमची इंदौर नाम से है। आमची इंदौर, आमची आमची इंदौर कल से? हाँ कल सुबह से। दोस्तों आइए टेस्ट करके देखते हैं पहलवान जी का मशहूर फालूदा। दोस्तों ये है ड्राई फ्रूट वाला, वाह दोस्तों तरावट आ गई, तरावट गले में जो ठंडक मिली है वाकई में, मतलब पहलवान जी का फालूदा वाकई में काफ़ी टेस्टी है। और जो दूर दूर से लोग आते हैं इतनी दूर से, और वो वाकई में दुआएं देते होंगे पहलवान जी को, और अल्लाह ने वाकई में उनके हाथों में बरकत दी है। ये वाला कौन सा है? ये यहाँ स्पेशल है, ये यहाँ का स्पेशल फालूदा है। तो देखने में ही आप देख सकते हैं काफी रिच है, रिच बहुत ज्यादा क्रीमी। आप लोगों ने फ्रेंड्स सराफा का फालूदा तो हम सभी ने ज़्यादातर टेस्ट किया ही होगा, खाया ही होगा, लेकिन एक बार आप इनके यहाँ का फालूदा ज़रूर खा के देखिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है मतलब कि वहाँ के फालूदा से। और कई सारी इसमें वैरायटी हैं, फ्लेवर हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मस्त। और बाकी जो रात में खाना खाने के बाद जो फालूदा खाने का मज़ा है, बेस्ट है वो तो मस्त। और मेन खास बात है इनकी, ये लोग दोस्तों एक औषधि आती है तुकमंगला नाम से एक औषधि रहती है, उसको कई दिनों तक गला के रखते हैं, जो कि आपके पेट के जो ठंडक पहुंचाती है उसके लिए काफ़ी कारगर है वो। तो मेन इनका वही है तुकमंगला और रबड़ी स्पेशल, बहुत ही फेमस है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन है। बच्चे को भी बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद तुरंत भाग के आइएगा और पहलवान जी की दुकान पर ज़रूर फालूदा खाइएगा। दोस्तों करना बनता है। एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं आपको नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और प्राइस भी दोस्तों इनका काफ़ी बढ़िया है, 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये, जैसे जिस हिसाब से आपको फ्लेवर चाहिए उस हिसाब से है, काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी सालों से है, 40 साल से इनके वालिद चलाते थे, इनके वालिद ने किसी एक अपने साथी के साथ खोली थी ये दुकान, आज उस चीज़ को बरकरार रखा है। और कई लोगों ने कभी भी कहा है कि मतलब जो 40 साल पहले इनके वालिद के हाथों में जो जान थी, जो स्वाद था, वो आज भी बरकरार है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा और खाइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जहाँ पे ऐसी कोई जगह आप लोग जानते हैं जहाँ कुछ यूनिक चीज़ें मिलती हैं, यूनिक आइटम हो, कुछ अलग टेस्ट हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जरूर थैंक यू अल्लाह हाफिज। हिंदी में जो है उसको खूब बालंगा कहते हैं, शकर की चाशनी चाशनी या ऑरेंज, ये पाइनएप्पल, ये खस, ये मैंगो, ये खस, ये रोज गुलाब। पहलवान जी के बालक वसी भाई, बताइए आपकी शॉप के बारे में। जी मेरी शॉप 40 साल से यहाँ पर है, मैं भी बैठता हूँ, पापा भी बैठते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे पीने आते हैं। सिवैया हम लोग ही बनाते हैं, सब मटेरियल सब मटेरियल हम लोग ही बनाते हैं। अच्छा, ये लोकेशन क्या रहती है? ये लोकेशन बड़वाली चौकी, बड़वाली चौकी का मेन चौराहा है। वहाँ पर आप कहीं से भी पूछ लो, कल्लू पहलवान फालूदा वाले, बिल्डिंग के नीचे, आपको कोई भी बता देगा यहाँ पर आसपास। इस नाम से यही दुकान है? शुरू से यही है, 40 साल से यही दुकान है, आज भी यही। बहुत बहुत धन्यवाद।